औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों हम बात करेंगे उन चंद ज़ाहिर की कि जो इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमारे अदालतों ने जो फैसलों में होल्ड किया है, और इसमें कुछ ऐसे चंद फैसले हैं जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं ताकि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के हवाले से आप इन फैसलों को पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और इसके अलावा जो रेलेवेंट दीगर चीज़ें हैं जो हमारी ह्यूमन राइट्स को डील कर रही हैं उनका मतलब भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी खातर खा फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें आज हम चंद जो फैसले रख रहे हैं आपके सामने, उनमें एक फैसला है जी YLR 2001 पेज 2381। इस फैसले में अदालत ने होल्ड किया है कि बुनियादी इंसानी हकूक के तहत तमाम अफराद को बराबरी का दर्जा हासिल है। और एक दीगर फैसला उसमें यह कहा गया कि कानूनी शहादत के बगैर किसी को शख्स को मुल्ज़िम नहीं ठहराया जा सकता। ये है जी PLD 1989 पेशावर पेज 112। और इसी तरह एक और फैसला है PLD 1992 लाहौर पेज 595। इस फैसले में ये होल्ड हुआ है कि अकमियत आला अल्लाह ताला के पास है, और अल्लाह ताला के नायब की हैसियत से एक नायब अगर अख्तियार को तोड़ेगा तो आला अदालतें इस शख्स के खिलाफ जांच पड़ताल कर सकती हैं। और इसी तरह PLD 211 सुप्रीम कोर्ट 997 सूबे के अंदर ख़राब हालात को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है, यानी वफाकी हुकूमत को ये जिम्मेदार ठहराया है कि सूबे के अंदर कोई भी अफरा तफरी या कोई भी ऐसी सूरत हाल होगी तो उसकी जो ओली सोली रिस्पांसिबिलिटी होगी वो मरकज़ी गवर्नमेंट पे होगी। और इसी तरह मरकज़ी गवर्नमेंट के वाले से एक और फैसला है SCMR 212 पेज 1958 1958। और इस फैसले में ये कहा गया है कि ये वफाकी हुकूमत की आइनी जिम्मेदारी है कि वो अमन अमान को कंट्रोल करे पूरे मुल्क के अंदर। तो ये चंद फैसलाजात थे जो कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन को वो डील कर रहे थे।